वृंदा आ गई है आज अपने असली रूप में। अब ये नागिन चुन चुन कर करेगी वार। आज माधव बना है नागिन वृंदा का पहला शिकार। जी हाँ, आज कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। क्या हुआ, यही सोच रहे हैं ना कि आखिर माधव नागिन के इस जाल में कैसे फंसे? तो चलिए आपको पूरी कहानी शुरू से सुनाते हैं। दरअसल माधव के सामने वृंदा के नागिन होने का सच आ गया है और अब माधव चाहते हैं कि वृषाली के सामने भी वृंदा का ये सच आ जाए। तभी तो नागिन की दुखती रग पर आज माधव ने हाथ रख दिया है। वृंदा की माँ को चाकू की नोक पर अपने कब्जे में लेकर माधव ने नागिन को भी अपने वश में कर लिया है। साथ ही हुक्म सुना दिया है लाल टेकरी मंदिर पर कार ले जाने का। और अब नागिन वृंदा भी बन गई है माधव के हुक्म की गुलाम। लेकिन ये नागिन है नागिन, पलट कर वार करना अच्छे से जानती है। वैसे भी जब सामने दुश्मन हो तो फिर नागिन हो जाती है और भी ज्यादा खतरनाक। देखिए कैसे नागिन ने पलट दी है बाजी। अब माधव नजर आ रहे हैं अपनी जान बचाते हुए नागिन से दूर भागते हुए। और हम ही पे हमला कर रहे हैं। तू रख जिसने जिसने तुझे बड़ा किया, प्यार दिया, उसी पे हमला कर दिया। एहसान फरामोश है, एहसान फरामोश है तू। लेकिन ये नागिन आज अपने शिकार को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि नागिन का रिवेंज मोड अब ऑन हो चुका है और माधव को नागिन ने अपना पहला शिकार चुन लिया है। वृंदा हैज कम इन टू हर नागिन मोड नाउ और अभी एक एक करके उड़ाएगी सबको, बिकॉज थोड़ा सा भी अभी ना अच्छापन बहुत ज़्यादा चल गया, थोड़ा ज़्यादा खिंच गया, यू नो बीइंग नाइस एंड नोबडी डाइड इन द शो येट, तो सबको लगा ऐसे ऐसे कैसे हो गया यार, इतनी अच्छी नागिन हो नहीं सकती है। सो आई थिंक पीपल वर नॉट लाइकिंग दैट ऑल्सो। सो नाउ सडनली यू नो केम द फर्स्ट वन एंड आई थिंक माधव इज़ द फर्स्ट विक्टिम और कल्प्रेट और व्हाटएवर यू से, बिकॉज नागिन कभी भी गलत इंसान को नहीं मारती। सो आई एम श्योर ही मस्ट बी बैड। वैसे भी माधव ने एक साथ दो दो गलतियां की थी, पहला नागिन से पंगा लिया और दूसरा वृंदा की माँ को भी किडनैप करके नागिन के गुस्से को और भड़का दिया माँ के ऊपर। मतलब एक तो मेरे से पंगे लेने का सोच रहे, ऊपर से मेरी माँ को हाथ लगा रहे। दे डोंट अंडरस्टैंड, यू नो नोबडी अंडरस्टैंड्स, यू डोंट टच मी, ओके। हालांकि माधव नागिन के चंगुल से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तो नागिन से माधव को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि लाल टेकरी मंदिर के पास नागिन हो जाती है और भी ज्यादा शक्तिशाली, यहाँ पे पावरफुल हो जाती है। वो शिव जी की मूर्ति के सामने है ना, जस्ट टर्न अराउंड से मैं नागिन हूँ, नागिन, बस मैं ऐसे बोलती हूँ, आई बिकम। यहाँ नागिन अपने बदले को अंजाम दे रही है और वहाँ जंगल में देव भी भटक रहे हैं। देव वृंदा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन लगता है कि देव को पहुँचने में देर होने वाली है, क्योंकि आज उससे पहले नागिन माधव का काम तमाम करने वाली है। पहली बार निया नागिन बनी है और अब तो निया नागिन के मोल्ड में इस कदर ढल गई है कि नागिन निया ने पंगेबाजों को भी एक वार्निंग दे दी है। सो अब क्या होता है मेरे को ना, बात बात पे, जैसे मैं आज निया अगर मैं बैठी हूँ, अगर आपने मुझे कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, सो आई विल जस्ट ओपन माय आईज लाइक दिस, यू नो मेरी आंखें चेंज हो जाती है। सो आई एम जस्ट सेइंग इफ यू एवर मीट मी अगेन, डू नॉट से एनीथिंग स्टूपिड, मेरे से पंगे मत लेना, बिकॉज मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ हाँ निया, आपसे पंगा लेने से पहले तो अब हर किसी को सोचना होगा, क्योंकि नागिन का वार खाली नहीं जाता और नागिन का शिकार कभी बच नहीं पाता। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट, E24।